Hey everyone, thank you so much for joining me on this video. And Ordinary finally is here in India and I am so happy. Like मुझे अपने ब्रदर्स से मंगवाना पड़ता था कनाडा से वेन एवर दे यूज टू कम टू इंडिया, और मैं स्टॉकअप कर लिया करती थी. बट थैंकफुली दैट ऑर्डनरी इज़ अवेलेबल ऑन नायका, और जो उसके प्राइजेज हैं दे आर ऑल्सो क्वाइट नॉमिनल, विच इज़ लाइक एब्सोल्यूटली ग्रेट. बिकॉज नायका ने पास्ट में काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो लॉन्च किए हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, बट दे वर नॉट, मतलब प्राइस के हिसाब से दे वर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू पेइंग इन डॉलर्स. तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बट थैंक गॉड ऑर्डनरी इन्होंने बहुत डिसेंट प्राइस रेंज में निकाली है. टुडे आई विल शो यू गाइज देयर फेमस ग्लाइकोलिक टोनिंग सोल्यूशन. द लिंक फॉर द प्रोडक्ट विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू, सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू चेक इट आउट फील फ्री टू क्लिक ऑन द लिंक. इफ़ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ एक्टिव, इवन इफ़ यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर टोनिंग सोल्यूशन, मेक श्योर दैट यू अप्लाई सनस्क्रीन एट द डे टाइम. इट इज़ absolutely mandatory. Do not skip your sunscreen and make sure that you cover yourself with an umbrella or a scarf, but stay protected. This is how it looks like. It is the 7% glycolic acid solution and the pH is 3.6. It is a very good quantity. 240 ml में आता है ये. It lasts for a year, like बहुत लंबे time तक ही चलता है. But it also depends upon how you are using it, where you are using it, and at how many times basically you are using it. I use this toner at night time only, and the instruction also says that you should use this at night time only. Do not use it at the day time because your skin could get burned, serious burn, if you use this particular toner and go out in the sun. I have been using this toner for many years. It is very gentle on the skin since it is just 7% of glycolic acid, but I would say that this particular percentage might not be gentle for sensitive or very sensitive skin. So it depends upon how your skin is. This toning solution has been a miracle in my life since I have started using it. It has helped me a lot in calming down the acne. मेरे फेस पे लाइक एक्ने की बहुत इशू है. अब तो बहुत कम हो गए हैं एज कम्पेयर टू अर्लियर डेज, बट एक्ने को ड्राई आउट करने में बहुत हेल्प करता है. इट ऑल्सो एड्स इन इवनिंग आउट द स्किन टोन. एंड इफ आई टॉक अबाउट द टेक्स्चर, माई गॉड, आई जस्ट लव how it improves the texture because it is an exfoliating kind of a toner. तो ये आपकी texture को भी ना, skin texture को काफ़ी improve करता है. There are less bumps और softness increase हो गई है. There are less blackheads and whiteheads. But I won't say that कि whiteheads और blackheads जो हैं वो बिल्कुल completely finish हैं. ऐसा इस टोनिंग सोल्यूशन ने नहीं दिया. आई स्टिल गेट वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स, छोटे मोटे इधर उधर फिर भी निकलते रहते हैं. एंड वन मोर थिंग, मुझे मिलिया का भी इशू है एंड अगेन दिस टोनिंग सोल्यूशन हैज़ हेल्प्ड अ लॉट इन यू नो कॉम्बैटिंग द मिलिया. ये तो रही फेस की बात, बट देर आर मेनी वेज दैट यू कुड यूज़ दिस ग्लाइकोलिक एसिड. आई यूज़ इट अंडर द आर्म्स एज वेल. सो मैं अंडर आर्म्स के लिए इसलिए यूज़ करती हूँ, मुझे थोड़ी सी पिगमेंटेशन है. बिकॉज आई यूज़ टू यूज़ वीट द क्रीम, हेयर रिमूवल क्रीम, तो उससे बहुत ज़्यादा अंडर आर्म्स में मेरे डार्कनेस आ गई थी. अभी भी है बहुत, फिर भी बहुत कम हो गई है. सो मैं कॉटन पैड पे ये टोनिंग सोल्यूशन लेती हूँ एंड आई जस्ट वाइप आउट माई अंडर आर्म्स. और आई ओनली यूज़ दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर ट्वाइस अ वीक या फिर हफ्ते में सिर्फ एक बार. मैं क्योंकि कभी कभार भूल भी जाती हूँ तो मैं वंस अ वीक हो जाता है, लेकिन ट्वाइस अ वीक मैं इसको यूज़ करती हूँ. एंड इट हैज़ हेल्प अ लॉट. जो डार्कनेस थी अंडर आर्म्स में वो भी बहुत कम हो गई है. नाउ दैट आई हैव शिफ्टेड टू एपिलेटर्स, आई गेट इशू ऑफ इनग्रोन हेयर्स, तो ये उसको भी कॉम्बैट करने में हेल्प करता है. आई स्टिल गेट इनग्रोन हेयर्स, बट फिर भी यू नो अपर सरफेस को ये बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है एंड इनग्रोन हेयर्स जो है वो कम हो गए एज कम्पेयर टू अर्लियर जब मैं टोनिंग सोल्यूशन नहीं यूज़ करती थी. आई यूज़ एपिलेटर और वैक्सिंग ऑन माई लेग्स, सो आई डू गेट इशू ऑफ इनग्रोन हेयर, सो इट डज़ हेल्प इन दैट एज़ वेल. और अगर आपके लेग्स पे कोई पिगमेंटेशन वगैरह है या डार्कनेस है और टैनिंग भी है ना अगर, तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू कुड एक्चुअली यूज़ दिस पर्टिकुलर टोनर टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स. आई वुड रिकमेंड दिस पर्टिकुलर टोनिंग सोल्यूशन फॉर द पीपल हु हैव एक्ने,
blemish pigmentation, and I have combination to dry skin, but if you have sensitive to very sensitive skin, please do consider doing a patch test before using this particular toning solution. If you are looking for an everyday exfoliating toner, then you could definitely go for this. That was my experience using the glycolic toner from The Ordinary. I hope you guys find it useful. That's it in this video. I shall see you guys in my next video. Till then, take care of yourself. Love yourself from the bottom of your heart. Bye.